नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। लगातार दूसरे दिन मैं किसी हिंसा और जुर्म से परे की बात कर रहा हूँ। अभी आपके सामने मैंने एक ऐसे परिवार की कहानी रखी थी जो कितना 25 किलो सोना पहनकर ईश्वर को दर्शन देने गया था। लेकिन आज मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ, जो कि चुनावी झंझावात से गुजर रहा है। पूरा का पूरा अमेरिका चुनावी खबरों से भरा हुआ है। नवंबर में होने हैं चुनाव। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, हिंदुस्तान में भी जिनके कार्यक्रम हुए हैं, जो न्यूयॉर्क शहर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, बड़ा उनका आना जाना यहाँ लगा हुआ था, वो अभी फिर से रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं और कोई नाम भी नहीं आया सामने उनके पार्टी से। इतने एक्टिव हैं वो, इतने सक्रिय हैं, इतने हमलावर हैं। अभी उनके ऊपर मुकदमे चल ही रहे हैं। पिछला जो चुनाव हारा था उन्होंने 4 साल पहले 2020 में, जो चुनाव हारा था जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन जीत के आए थे, उसके बाद कैपिटॉल हिल कहलाता है वहाँ पे, जहाँ अमेरिकी संसद है, उसके ऊपर हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने। पार्लियामेंट के भीतर घुस गए थे, सांसद टेबलों के नीचे घुस कर कमरे बंद करके किसी तरह बचे थे। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा जिसकी हद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जो कट्टर समर्थक थे वो इस अंदाज में वहाँ पहुँचे थे, सींग लगा कर पहुँचे थे, भाले लेकर पहुँचे थे, कुछ चमड़ा बदन पर पहन कर पहुँचे थे, एकदम आदिम आदिम इंसान की तरह वहाँ गए थे। हरकत भी वैसी ही थी। अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश, कम से कम अपने देश के भीतर लोकतांत्रिक है, बाहर तो दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर है, लेकिन मैं अभी भीतर की बात कर रहा हूँ। अमेरिका जैसे आंतरिक लोकतांत्रिक देश में लोग चुनाव हारने के बाद उसको मंजूर करने को तैयार नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने खासकर अपने लोगों का जो हाल किया था, जिस तरह से उन्होंने लोगों को भड़काया उकसाया, अमेरिकी संसद की कमेटी की सुनवाई में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों ने कहा कि हम उनको समझाते रहे कि आप अपील जारी करो इन लोगों को रोकने की, नहीं किया। ट्रंप टीवी पर देखते रहा कैसे हमला चल रहा है। वो कैंडिडेट फिर से है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको याद होगा, एक किसी टीवी या रेडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान, इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग के दौरान, उसने ये कहा कि अगर आप कामयाब हैं, अगर आप कामयाब मर्द हैं, तो आप किसी भी औरत को उसके गुप्तांग से पकड़ सकते हैं। मैं उस शब्द को नहीं दोहरा सकता, हिंदुस्तान में चलन में नहीं है उस तरह की भाषा, गाली गलौज की जुबान में ट्रंप ने कहा था। ये उन्हीं की आवाज़ में बात चारों तरफ फैल गई थी। लेकिन गजब का देश है अमेरिका, वहाँ के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया था। ट्रंप से अधिक बेवकूफ़ी की बातें करते हुए मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति किसी को नहीं देखा है, न उतनी हिंसक बातें करते हुए, न उतनी बेवकूफ़ी की बातें करते हुए, न उतनी नीचता की और घटिया बातें करते हुए। अभी उनके मुकाबले जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है, और कमला हैरिस पिछले चुनाव में भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनने की कोशिश कर चुकी थी। अमेरिका में पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र भी इतना है कि जो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो सब आते हैं स्टेज पर, कहते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ, और एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं वो, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ, कि मैं इससे ज़्यादा काबिल रहूँगा। हिलेरी क्लिंटन ने तो ऐसा काम किया था, बिल क्लिंटन ने ऐसा किया था, ओबामा ने ऐसा किया था। दोनों ही पार्टी के लोग अपने अपने लोगों के बीच से
पहले उनको शिकस्त देते हैं अपनी पार्टी के मंच पे, फिर उनमें से जो जीतते हैं वो फिर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के सामने खड़े रहते हैं। ऐसा लोकतंत्र है, पार्टियों के भीतर भी ऐसा लोकतंत्र है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह का राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली रहती और लोग सीधे चुने जाते, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले शशि थरूर, खड़गे, वेणुगोपाल, भूपेश बघेल ये कहते कि मैं कैंडिडेट राहुल से ज़्यादा अच्छा रहूँगा, खड़गे कहते कि मैं इन सब में दलित हूँ, मैं सबसे ज़्यादा शोषित समाज से आया हूँ, मुझको मौका मिलना चाहिए, राहुल का क्या है, ये तो चौथी पीढ़ी का है। क्या आप कल्पना कर सकते क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ मंच पे आके कहें कि इन्होंने क्या क्या गलत किया है, क्यों मैं इनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रधानमंत्री रहूँगा। अमेरिका का लोकतंत्र कुछ ऐसा ही है, थोड़ा अजीब है, यहाँ के लोगों को उतना सुहाएगा नहीं, लेकिन मैं बड़े दिलचस्पी से देखता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वहाँ पर, वो सीधे राष्ट्रपति को, हर जनता वोट देती है, राष्ट्रपति को चुनती है। थोड़ा उनके चुनाव के तरीके में थोड़ी जटिलता भी है, लेकिन मैं उतने बारीकी में यहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा हुआ था कि हिलेरी क्लिंटन जो है उनको अपने प्रतिद्वंदी से ज़्यादा वोट मिल गए थे, लेकिन कुछ वहाँ का गिनती करने का कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि वो जीत नहीं पाई थी, राष्ट्रपति उनके मुकाबले दूसरे बने थे। अब मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा दिलचस्प है मामला, कहानी किससे जैसा सुनिएगा, कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मौजूदा राष्ट्रपति हैं वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो बाइडन पर हमला कर रहे थे, ये इतना बूढ़ा हो गया, इतना कमज़ोर है, लड़खड़ाता है, बहस में टेलीवाइज्ड बहस टीवी पर जो जीवंत बहस हुई थी उसमें बोल नहीं पाया, ये इतने बूढ़े को, इतने कमज़ोर को क्या चुनोगे, कई तरह की बातें जो बाइडन के खिलाफ बहुत ही घटिया जुबान में, बहुत ही ओछी जुबान में डोनाल्ड ट्रंप बोलते, उनके पास एक दरअसल जुबान वही एक है, मैं बताऊं आपको, उनके पास जुबान वही एक है। मुझको थोड़ा हैरानी होती है कि अपने घर में उनके जो नाती पोते होंगे उनसे वो कैसी जुबान में बात करते होंगे, क्योंकि उनके पास जुबान तो यही एक है। अब घर के लिए उन्होंने शरीफों वाली कोई जुबान अलग रखी हो तो नहीं मालूम। जो बाइडन ने अपने पार्टी के भीतर एक धमाका कर दिया जब उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा दूसरी बार, उनका हक था, वहाँ परंपरा ऐसी है, उनकी पार्टी भी तैयार थी कि बुजुर्ग भी हो गए हो लेकिन चाहते हो लड़ना तो हम साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस मेरी उपराष्ट्रपति, मैं उनके नाम को सामने रखता हूँ, मैं मेरी तरफ से उनको कैंडिडेट बनाना चाहता हूँ। और ये कमला हैरिस वो हैं जो कि जो बाइडन के मुकाबले उम्मीदवार बनने के लिए 4 साल पहले पार्टी के भीतर चुनौती दे चुकी थी, लेकिन कमला हैरिस के नाम को बढ़ाते हुए जो बाइडन ने जो कहा, एक लाइन उसको ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार मैंने बनाया था मेरे साथ, वो मेरे पूरे राजनीतिक जीवन का, उन्होंने करियर शब्द इस्तेमाल किया है, मेरे पूरे करियर का सबसे अच्छा फैसला था। ये दरिया दिली से निकलती है ऐसी बात, वो कह देते कि कमला हैरिस मैं अब लड़ना नहीं चाहता, पार्टी तय करे कौन लड़े। उन्होंने नाम लिया अपनी उपराष्ट्रपति का और कहा कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला ये था कि पिछले चुनाव में मैंने कमला हैरिस को अपना रनिंग मेट कहते हैं वहाँ पे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, और 5 साल व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति के हैसियत से कमला हैरिस ने काम किया जो बाइडन की अगुवाई में। वहाँ उपराष्ट्रपति को कुछ काम अलग भी मिलते हैं करने के लिए, तो कमला हैरिस ने कई ऐसे काम किए। अब कमला हैरिस आ गई जो कि 19 साल छोटी हैं डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप 3 साल 4 साल बड़े
जो बाइडन को लेकर हंगामा मचाए हुए थे, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसकी सेहत ठीक नहीं है, इसकी याददाश्त ठीक नहीं है, डूब जाएगा देश इसको अगर दोबारा चुनेंगे तो, अब 19 साल छोटी कमला हैरिस मुकाबले में है। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप बूढ़े हो गए। एक पीढ़ी, 19 साल में एक पीढ़ी हो जाती है, वहाँ कम उम्र में बच्चे होने लगते हैं। तो कमला हैरिस मुकाबले में खड़ी हैं। कमला हैरिस को लेकर हिंदुस्तान में दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि उनकी माँ हिंदुस्तान के तमिलनाडु से अमेरिका पढ़ने के लिए गई थी 19 साल की उम्र में, कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी वो, कमला हैरिस की माँ। मुझको अच्छा इसलिए लगा कि उसी बर्कले विश्वविद्यालय में एक बार एक पैनल डिस्कशन में मुझको भी न्योता देकर बुलाया गया था। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेरा लेक्चर नहीं था, लेकिन एक एक पैनल डिस्कशन में, पैनल में मैं भी था वहाँ पर, इसी बर्कले विश्वविद्यालय में। तो कमला हैरिस की माँ वहाँ पर पढ़ने के लिए गई थी 19 साल की उम्र में, कोई रिश्तेदार नहीं थे, कुछ नहीं थे। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कैंसर वगैरह के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, बड़ा महत्वपूर्ण रिसर्च था उनका। वहीं पे उनकी मुलाकात कमला हैरिस के पिता, जिनसे उनको हैरिस नाम मिला, वो जमैका से आए हुए थे, यानी माँ बाप दोनों ही अमेरिका के बाहर से आए हुए थे, पैदा नहीं हुए थे एक भी वहाँ पे। कमला हैरिस वहाँ पर पैदा हुई थी, माँ बाप दोनों के दोनों अमेरिका में काले लोगों के हक के लिए जो आंदोलन चलते थे उस समय जो आंदोलन चलते थे 50-60 के दशक के आंदोलन, उनमें अपने माँ बाप के साथ बच्चा गाड़ी में बैठकर कमला हैरिस भी जाती थी। छोटी सी थी, समझती नहीं होंगी, लेकिन जाती थी। उस समय काले लोगों का दाखिला नहीं होता था कई स्कूलों में, कई कॉलेज में, अलग वक्त था, अलग ज़माना था। कमला हैरिस ऐसे आंदोलनों के बीच बड़ी हुई हैं, ये उनकी परिपक्वता है, उनको अपने काले होने का गर्व, काले होने के हक, बराबरी के हक पाने की जागरूकता, ये सब वहाँ से मिली, अपनी माँ से मिली, बाप से मिली। थोड़ा तकलीफ की बात है कि माँ बाप अलग हो गए, छोटी थी कमला हैरिस, नाम उन्होंने अभी तक पिता का रखा हुआ है, अलग हो गए माँ बाप, लेकिन वो माँ के साथ रही और माँ आंदोलनकारी थी, पूरे वक्त जागरूकता के साथ आंदोलन करती थी। वहीं रहती थी बर्कले में, कैलिफोर्निया में, उसी इलाके में। ये ऐसा गजब का विश्वविद्यालय है बर्कले, मैं 2-3 बार वहाँ गया हूँ, ऐसा गजब का विश्वविद्यालय है कि दुनिया का पहला परमाणु विरोधी, परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन वहीं से शुरू हुआ, दुनिया का हिप्पी मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ, दुनिया के कई किस्म के आंदोलन बर्कले विश्वविद्यालय से शुरू हुए। अमेरिका का सबसे जागरूक विश्वविद्यालय माना जाता है वो। कैलिफोर्निया का जो मिजाज है, उदार राज्य का, उसके भीतर बर्कले जो है और उदार है। तो बर्कले विश्वविद्यालय में वहाँ रहते हुए, पढ़ते हुए, कमला हैरिस और जगहों पर भी पढ़ी, वकील हुई वो अदालत में, वहाँ सरकारी वकील जो हैं सरकारी नहीं रहते हैं, वो जनता के वकील रहते हैं, एक संवैधानिक संस्था अलग रहती है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में रहता है ना, आपने देखा होगा हाई कोर्ट में बिलासपुर में एक एजी ऑफिस है, एडवोकेट जनरल का ऑफिस, उसके सारे वकीलों को राज्य सरकार नियुक्त करती है। नतीजा क्या होता है देखा है आपने, अभी कुछ दिन पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो दो अफसरों को, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला, दो आईएएस थे, इनके खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे थे, उन मामलों को तबाह करने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए, सबूत ख़त्म करने के लिए, गवाहों को तोड़ने के लिए, एजी ऑफिस के जो सबसे बड़े वकील थे उस समय के, एडवोकेट जनरल, वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज के साथ मिलकर
संवाद कर रहे थे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहे थे सरकार और उनके बीच में। फिर ईडी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आंख से नहीं देखा है, ये जज जो हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मिले थे। फिर इसी जज ने शायद, इसी जज के भाई जो हैं वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन गए थे। फिर इसी जज के बेटी और दामाद के सीवी परिचय अनिल टुटेजा को दिया गया था आगे किसी फेवर के लिए, उपकार के लिए। फिर इसी जज ने जमानत दी थी इन लोगों को। ये सब किस्सा चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमला हैरिस वहाँ पर जो वकील थी वो सरकारी वकील नहीं थी, वो डिस्ट्रिक्ट अटार्नी थी, बाद में शायद स्टेट अटार्नी भी बनी। बहुत से लोगों को उन्होंने सजा दिलवाई। अब मुझको बड़ा अच्छा लगा जब कमला हैरिस ने अपने चुनाव प्रचार के बीच में ये कहा डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करते हुए कि मुजरिमों को सजा दिलाने का मेरा अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक कोर्ट से सजा हो चुकी है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक एडल्ट इंटरटेनर के साथ अपने सेक्स संबंधों को दबाने के लिए अपने वकील के मार्फत उस वयस्क अभिनेत्री को पैसा दिया और उस खर्च को कानूनी खर्च दिखाया अपनी कंपनी में, तो न्यूयॉर्क की अदालत में सजा हो चुकी है अभी ट्रंप को, और कई और अदालतों में मामला चल रहा है। तो मुझको अच्छा लगा जब कमला हैरिस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मुझको मुजरिमों को सजा दिलाने का खासा तजुर्बा है। गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखें तो वो कमला हैरिस के महिला होने को लेकर, कमला हैरिस के काले समुदाय को लेकर, रंग को लेकर क्या क्या नहीं बोल रहा है वो आदमी, क्या क्या नहीं बोल रहा है। और उसका जो रनिंग मेट है, जो उपराष्ट्रपति पद का रिपब्लिकन उम्मीदवार है, वहाँ पे राष्ट्रपति का उम्मीदवार ही निजी रूप से छांट लेता है, पार्टी वार्टी महत्वहीन रहती है, वही छांटता है अपने रनिंग मेट को कि ये उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार रहेगा। वो भी इसी तरह की बातें करता है महिलाओं के बारे में। वो तो खैर पहले एक बार ट्रंप को भी हिटलर बोल चुका है, अभी कुछ साल पहले खतरनाक बोल चुका है, हिटलर बोल चुका है, सब बोल चुका है, लेकिन वो भी महिलाओं के बारे में दूसरे रंग के, गोरों से परे दूसरे रंग के लोगों के बारे में, दूसरे देशों से आकर बसे हुए लोगों के बारे में बहुत ही घटिया और हिंसक सोच रखता है ट्रंप का। ठीक है, एकदम दोनों की जोड़ी अच्छी है, कालिया और सांबा जैसी जोड़ी है। हालांकि मैं हिंदुस्तानी फिल्म के इन दो किरदारों को इतनी बड़ी गाली देना नहीं चाहता, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मर्द अगर सफल हो तो औरत को उसके गुप्तांगों से दबोच सकता है। आपने भी देखा होगा कालिया और सांबा को, मैंने तो ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे। इस किस्म का घटिया ट्रंप और इस किस्म की संघर्ष करने वाली, बचपन से आंदोलन देखी हुई कमला हैरिस, मैं आपको बताऊं, मैं अपने किसी वीडियो में, किसी एडिटोरियल में जब लिखता हूं कि छात्रों को दुनिया में कहीं भी हो, मैंने अमेरिका के विश्वविद्यालयों का उदाहरण दे के ही कहा था, वहाँ फिलिस्तीन के लोगों की हमदर्दी में आंदोलन चला था 22 विश्वविद्यालयों में, इसराइल के खिलाफ 22 विश्वविद्यालयों में आंदोलन चला था, मैंने उसको लेकर लिखा था कि हिंदुस्तान में भी जो नौजवान पीढ़ी है इसको जिंदगी के जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि वोटर तो बन गए हैं, स्कूल से निकलते ही हमारे तमाम लोग वोटर बन जाते हैं 18 साल की उम्र में। आप वोटर बन गए हो लेकिन हिंदुस्तान की असल जिंदगी के असल मुद्दों को लेके आंदोलन की बात अगर मैं कहता हूँ तो कई लोगों को लगा कि मैं लोगों को भड़का रहा हूँ और उकसा रहा हूँ। मैंने कोई पुलिस या फौज को फतवा नहीं दिया कि आप सरकार की हुक्म उदुली करो। जैसा कि इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण के एक बयान को लेकर कहा जाता था, या जैसा कि बांग्लादेश में अभी शेख हसीना प्रधानमंत्री को हटाने के पहले कहा गया, फौज के कई लोगों ने कहा अपनी फौज के अफसरों को, सैनिकों को, जनता के ऊपर गोली मत चलाना। मैं तो वैसा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो
पुलिस से फौज से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल नौजवानों से कह रहा हूँ, अगर वोट डालना तुम्हारा हक है, तुमको मिल गया है, तो इतनी जागरूकता भी रहनी चाहिए कि जिंदगी के जो असल मुद्दे हैं, ये धर्म कर्म जिंदाबाद मुर्दाबाद जयकारा, ये असल मुद्दे नहीं है जिंदगी के। जिंदगी के असल मुद्दे जो हैं रोजी रोटी, आरक्षण, पढ़ाई, नौकरी, रोजगार, महंगाई, ये असल मुद्दे हैं। और भी हैं ऐसे मुद्दों को लेकर एक आंदोलन करो, मैंने लिख दिया था कहीं पे, तो कुछ लोग भड़क गए थे मेरे ऊपर कि आप लोगों को भड़का रहे हो, उकसा रहे हो। तो मैंने याद दिलाया कि जो राम मनोहर लोहिया हमारे यहाँ हुए थे, उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। उसका मतलब है कि 2 चुनावों के बीच भी जनता को विरोध करने के लिए, प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए जागरूक रहना चाहिए। तो कमला हैरिस वैसी ही जागरूकता की संतान है, उसी जागरूकता से वो निकल कर आई हैं। नतीजा क्या निकला मालूम है? मुझको बड़ा अच्छा लगता है, मैं रोज सवेरे अमेरिका की कुछ खबरें सुन लेता हूँ, बाकी दुनिया की भी सुनता हूँ। इतना मुझको अच्छा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो आसमान पे दिख रहा था, और जो बाइडन जो जमीन पे दिख रहे थे, अब हालत ये है कि कमला हैरिस सीधे आसमान की तरफ बढ़ रही है, और अभी वक्त बाकी है और डोनाल्ड ट्रंप नीचे जा रहा है। मैं आज की सुर्खी देख रहा हूँ एक अखबार की, कमला हैरिस के चुनाव जीतने की 52% संभावना। पूरी पार्टी एकजुट हो गई है, इतना पैसा बरसा है कमला हैरिस का नाम आने के बाद, इतना डोनेशन मिला है, वहाँ 2 नंबर का नहीं रहता है, वहाँ 2000 1000 के नोट रात को लेके जा रहे हैं, सूटकेस बैग, कहीं एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, ये सब अमेरिका में नहीं रहता, वहाँ सब अकाउंट से 1 नंबर में दे देते हैं लोग पैसे, जितनी मेरी जानकारी है। तो वहाँ पर कमला हैरिस का जो संघर्ष है, जिससे उबर कर आई हैं, वो महिलाओं के हक की वकालत करती हैं, वो महिलाओं को गर्भपात का अधिकार मिलना चाहिए इसको लेकर लड़ रही हैं, वो पिछले 4 साल जब उपराष्ट्रपति रही तब भी इस मुद्दे को लेकर वो लड़ती रही, ये बड़ी बात है, ये आज उनके काम आ रहा है। ये मुझको लगता है असल मुद्दे, कमला हैरिस की शोहरत जो बढ़ रही है, वो अमेरिका के असल मुद्दे हैं, वो कामगारों की नेता है, डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ के कामगारों की पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी वहाँ की चर्च की पार्टी है। ऐसा नहीं कि ये नास्तिक हैं कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, लेकिन ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी चर्च के ऊपर टिकी हुई है, चर्च के फतवे, ईसाइयों के बारे में कहना, ये वही चल रहा है ट्रंप का, वहाँ पर धर्म आधारित प्रचार चल रहा है ट्रंप का। मुझको भी ढूंढने में समय लग जाएगा, ईसाइयों के बारे में क्या क्या नहीं कहा वहाँ ट्रंप ने। एक अलग बात है कि हमारे यहाँ दिल्ली में एकदम ही उग्र हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा होकर हवन करते हैं कि हमारे डोनाल्ड भैया के कान को छूते हुए गोली निकल गई है, वो जल्द ठीक हो जाए, ऐसा हवन करते हैं। उनके जीत के लिए भी हवन हुए थे यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप के जीत के लिए, हार गए बाद में, अलग बात है, कोई हवन में कमी रह गई होगी, एक हाथ कोई वो क्या आहुति बोलते हैं, स्वाहा क्या बोलते हैं, कुछ सामान कम रहा होगा, हो सकता है घी थोड़ा नकली बन गया होगा, दिल्ली के आसपास बहुत सारा घी पूजा का घी नाम से बनता है, जानवरों के चर्बी से, हो सकता है ऐसा कोई घी डाल दिया हो उसमें, उसके कारण तपस्या लोगों की कम रह गई हो। लेकिन लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़े उदार हैं, कई तस्वीरें आई थी, दिल्ली में हवन चल रहा है, कई मेरठ में हवन चल रहा है, कई जगहों पे हवन चल रहा है ट्रंप के कान के जख्मों को ठीक करने के लिए। मुझको थोड़ा हैरानी हुई, एक हाथ हवन मणिपुर को लेके भी हो गया रहता, एक हाथ हवन पहलवान लड़कियों के लिए भी हो गया रहता, कई मामले हैं ऐसे, हो जाता एक हाथ हवन इनके लिए भी अगर कर देते तो, लेकिन ठीक है,
भगवान से जब कुछ मांगना है तो कुछ बड़ा मांगा जाए, ट्रंप मांगा जाए। यह अलग बात है कि वो अमेरिका की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो देवियाँ हैं, उनके बारे में जो कहता है, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, हवन के साथ में चर्चा करना नहीं चाहता। यहाँ लोगों ने मेहनत बहुत की थी, ट्रंप हार गया ये एक अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान के एक तबके ने कोई कमी नहीं की थी। मुझको लगता है जिन लोगों के माँ बाप अस्पताल में आखिरी सांस ले रहे होंगे और माँ बाप के लिए जिन्होंने हवन नहीं किया होगा, वो लोग भी हवन कर रहे थे ट्रंप के लिए। तस्वीरें लगा दी थी ट्रंप की जगह जगह और हवन चल रहा है, स्वाहा वाहा, कुछ ऐसे आवाज़ें आ रही थी, वीडियो आए थे। अमेरिका के चुनाव में मुझको ये देख के राहत मिलती है कि धर्म को लेके, नफरत को लेके, हिंसा को लेके, तानाशाही को लेकर, मनमानी और सनक को लेकर, घटिया और अश्लील बातों को लेकर जो चुनाव लड़ रहा है, वो अभी वहाँ पे नीचे जाते दिख रहा है, गड्ढे की तरफ जाते दिख रहा है। और जो महिला, जो काली महिला है वहाँ की, अमेरिका में बहुतायत नहीं है इनका, बहुसंख्यक नहीं है काले लोग, वो कामगारों के मुद्दों को लेकर, जो प्रवासी वहाँ पर हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं उनको लेकर, महिलाओं के हक को लेकर, गर्भपात का, अपने शरीर का हक उनका, उसको लेकर, गरीबों को लेकर, टैक्स रियायतों को लेकर, मध्यम वर्ग को लेकर चुनाव लड़ रही है। पैसा बरस रहा है कमला हैरिस के ऊपर। आप समझ लीजिए, हिंसा और धर्म दोनों के सहारे, हिंसा, धर्म और तानाशाही, इनके सहारे जो ट्रंप लड़ रहा है वो नीचे गड्ढे की तरफ जा रहा है। आसमान में था, अभी आ रहा है कि उसके जीतने की संभावना कुल 48% रह गई है, 52% संभावना कमला हैरिस के जीतने की है। मुझको अच्छा लग रहा है, अमेरिका से मैं बहुत सारी बातों पे असहमत रहता हूँ। अमेरिकी सरहद के बाहर तो मैं उस सरकार से नफरत करता हूँ जो फिलिस्तीन पे बरसाने के लिए बम भेजता है इज़राइल को, उससे मैं नफरत करता हूँ। लेकिन अमेरिका की अपनी ज़मीन पर अपने चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए आज जो जनता में जो जागरूकता मुझको दिख रही है वहाँ पर, चुनावी नतीजे जो भी हों, आज जो जागरूकता मुझको दिख रही है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन हारते दिख रहे थे, उनकी जगह आई हुई कमला हैरिस लास्ट मिनट कैंडिडेट हैं, आखिरी में नाम आया है, वक्त भी नहीं मिला होगा तैयारी का, वो इतने घटिया इंसान को बड़े आसानी से हराते दिख रही हैं, आज आसार वैसा दिख रहा है। मुझको लगता है कि लोगों को एक बड़ा भरोसा होता है कि अच्छे की जीत होती है, बुरे की हार होती है। एक गरिमापूर्ण महिला है कमला हैरिस, हिंदुस्तानी मूल की है इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं है, एक गरिमामय महिला है कमला हैरिस। वहाँ के गरीब, वहाँ के काले लोग, मजदूर, कामगार, उनके हक के लिए बचपन से लड़ते आई है, बच्चा गाड़ी में बैठी थी तब से जुलूस में रहते आई है, वो जागरूकता कमला हैरिस की आज काम आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप, वो घूरे के गड्ढे में फेंक दिए जाने लायक इंसान है और उसी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये मेरी अपनी सोच है, मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा विडिटोरियल है, मेरी ज़ुबान ऐसी ही है घटिया लोगों के बारे में बात करते हुए। अगर घटिया की खटिया आपने खड़ी नहीं की तो फिर आपने क्या किया, आपके पास ज़ुबान होने, आपके पास कीबोर्ड पर चलने के लिए उंगलियां होने का क्या फ़ायदा। तो मैं ऐसी ही बात करता हूँ, मैं घटिया को घटिया कहने में शर्माता नहीं हूँ। आपको अगर ये विडिटोरियल मेरा अच्छा लगा होगा तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। और हाँ, आपको लगता है कि आपके आसपास के कुछ और लोग इसमें दिलचस्पी ले सकते हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसा हो रहा है,
उसको एक हिंदुस्तानी अखबार नवीस के नज़रिए से कैसे देखा जाए। तो आप मेरे नज़रिए से उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, हो सकता है उनको अच्छा लगे, हो सकता है बुरा लगे और नीचे वो मेरी आलोचना करें, करके देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, और अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आपको इनको खाने पीने का शौक है उतना ही कैंसर को आपको खाने का शौक है। आप खाते हैं, आपके मुंह से कैंसर शुरू करता है, गले तक पहुंचता है, फेफड़ों में छा जाता है, और अपना स्मार्टफोन निकाल कर एक लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर एक भैंसे वाले बाबा को, भैंसे पे चढ़ के जो चलते हैं, गदा लेकर, मुकुट है, रेशमी धोती में रहते हैं, खुले बदन, उनको खबर भेजता है यहाँ पे तुम्हारे लायक फिट केस है। वो आते हैं, लेके जाते हैं, और जिनको लेके जाते हैं उनमें मैंने फ़ोटो देखी है, असल में रूबरू नहीं देख पाया हूँ, किसी किसी को तो भैंसे के पीछे बांध कर घसीट के भी ले जाते हैं। वो क्यों फ़र्क करते हैं, घसीट के ले जाना, हाथ में पकड़ के ले जाना, क्यों करते हैं फ़र्क मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैंने फ़ोटो देखी है, कुछ लोगों को घसीट के भी ले जाते हैं। आपको कैंसर के इलाज से अगर दर्द का डर न लगता हो, आपको ये डर न लगता हो कि जबड़ा काट देंगे, गाल काट देंगे, पांव की हड्डी निकाल कर एक काम चलाऊ जबड़ा बनाएंगे, अगर इनसे भी डर नहीं लगता है तो ये सोचिए कि उबड़ खाबड़ सड़क पर जब घसीट के कोई ले जाएगा भैंसे के पीछे बांध के तो कैसा लगेगा। फिर मिलेंगे।